मुरादाबाद पहुंचे भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने राहुल गांधी के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जलियांवाला बाग दौरे को अपमान बताया है। राज्यसभा सांसद ने राहुल गांधी और उनके कांग्रेस परिवार पर हमला करते हुए कहा कि वो लोग हमेशा देश के लोगों को अपमानित करते आए हैं। जब ये लोग इस तरह की भाषा और इस तरह के ट्वीट करते हैं, इतनी पुरानी पार्टी के नेता होने के बाद भी वो हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनके द्वारा ऐसे प्रधानमंत्री के विषय में कहा गया है जिन्होंने स्वयं को देश को समर्पित कर दिया है, वो इस तरह के ट्वीट करके देश के लोगों को और देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वहीं जमीयत उलेमा हिंद द्वारा को एजुकेशन को गलत ठहराने पर दिए गए बयान पर भी भाजपा प्रवक्ता ने जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि उनके घर में दो तरह की सोच है, उनके भाई जरूर इसका जवाब देंगे और अशद मदनी कट्टर सोच के व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, उनकी सोच पीछे धकेलना चाहती है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा मथुरा में कल दिए गए सुझाव को सही ठहराया है। जफर इस्लाम ने कहा कि ठीक है सभी धर्म के लोग मांस खाते हैं, पर योगी जी ने धार्मिक स्थानों से दूर दारू और मांस की दुकानों का सुझाव दिया है, सभी तबकों को इसका सम्मान करना चाहिए। देखिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस परिवार देश को, देशवासियों को हर दिन अपमानित करता है। जब इस तरह की भाषा, इस तरह के ट्वीट और इस तरह के जब वो प्रतिक्रिया देते हैं तो उससे समझ में आता है कि जो एक इतनी पुरानी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जिस तरह का उनका रिएक्शन होना चाहिए, जिस तरह के स्टेटमेंट आने चाहिए, उससे परे रह के वो हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये ट्वीट भी उसी तरह से देखा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने आप को पूरे तौर से समर्पित कर दिया देश के लिए, देश हित के लिए, देशवासियों के लिए, उनके प्रति इस तरह के ट्वीट करके ये सिर्फ अपने आप में जो मुबालगा में रह के देश को अपमानित, देश के प्रधानमंत्री जी को अपमानित और देशवासियों को अपमानित करने का जो इनका जो काम है। देखिए अरशद मदनी जी जो है बहुत रिग्रेसिव थॉट के हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही, जबकि उनके अपने ही भाई इसके ज़रूर इसके खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए कि जब घर में ही ऐसा विवाद है कि एक भाई जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल समझते हैं कि आज मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी है, आगे बढ़ाना ज़रूरी है और अपने मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर कोएड होना ही ज़रूरी है, ऐसे में अगर उनके भाई कहते हैं तो जब घर में उनका रिएक्शन हो सकता है तो जाहिर है वो बात गलत है और उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए। एक 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 ऐसी सोच है जो पीछे धकेलना चाहती है, प्राचीन काल में ले जाना चाहती है, और जबकि देश आगे निकल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे निकल रहा है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ बटाने के बजाय उनके हाथ को कमज़ोर करने का एक जो है तरीका है अरशद मदनी जी का। कल मुख्यमंत्री जी वहाँ से कहा है कि जितने भी धार्मिक स्थान है वहाँ से मांस मदिरा को बैन किया जाना चाहिए, किस तरह देखिए भाजपा ये क्या किस तरह करेंगे? देखिए किसी एक धर्म और समुदाय के लिए नहीं है, सभी समाज के लोग खाते हैं, उत्तर प्रदेश हो या किसी और प्रदेश में भी देखिए, सभी वर्ग के लोग, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी वर्ग के लोग खाते हैं। तो इन्होंने किसी एक वर्ग विशेष के बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि सबको